कुछ शब्दों का यह आदमी इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। महज 5 दिन पहले माँ इस दुनिया से गई थी। बेटा इतनी जल्दी माँ के पास चला जाएगा उम्मीद नहीं थी। जिंदगी के हर संघर्ष में जीतने वाले इरफान बीमारी के आगे हार गए। 7 जनवरी 1967 को इरफान जयपुर में पैदा हुए। बचपन से ही बेहद शर्मीले थे, इतने कि टीचर क्लास में नाम पूछती थी तो भी शर्मा जाते थे। पिता की टायर की दुकान थी। माँ चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर टीचर बने, कोई इज्जतदार नौकरी करे। बचपन में पॉकेट मनी का जुगाड़ ट्यूशन पढ़ा कर किया जाता था। 15 रुपए महीना मिलते थे। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था तो मम्मी से झूठ बोला कि एक कोर्स करने जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा तो लेक्चरर बन जाऊंगा, जबकि जा रहे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन जाने से पहले ही पिता ने दुनिया छोड़ दी और परिवार की जिम्मेदारी इरफान पर आ गई। ऐसे में भाई ने इरफान का साथ दिया। भाई ने कहा कि मैं परिवार की जिम्मेदारी संभालता हूँ, तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली जाकर कोर्स किया और फिर मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे मिली। लेकिन 2 महीने तक वर्कशॉप करने के बाद पता चला कि फिल्म से उनका रोल काट दिया गया है। लेकिन संघर्ष जारी रहा और इसके बाद इरफान को एक ऐसा ब्रेक मिला जिसने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्म द वॉरियर मिली और इसके बाद तो इरफान बॉलीवुड में भी छा गए। इरफान ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हासिल, मकबूल, पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों के जरिए इरफान ने दिखा दिया कि वो हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रही, जो लॉकडाउन की वजह से डिजिटल मीडियम पर रिलीज हुई। इरफान वक्त से पहले भले ही चले गए, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे एक बेहतरीन अभिनेता बनकर, पान सिंह तोमर बनकर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।